जी से नज्म के लिए मुझे बहुत ज्यादा फरमाइशें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वही नज्म आप तक पहुँचाऊँ। यूट्यूब के जरिए से आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब पहुँचाता हूँ, आप सब बिल्कुल जुड़ जाएंगे। मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूँ, आप सबको जोड़ना भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। यहाँ से मतलब पहुँचाता हूँ, आप सब जुड़ जाएंगे। पेश करता हूँ बतौर खास समाज करें। ये क्या करते हो चाचू जान। कितने लोग सुनना चाहते हैं इस नज़्म को, जरा हाथ उठाकर बताएं मुझे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ मतलब सुने। ये क्या करते हो चाचू जान। जी आप भी कम खूबसूरत नहीं है भाई। जी नज़्म से ज्यादा खूबसूरत आप। ये क्या करते हो चाचू, ये क्या करते हो चाचू जान। ये लफ्ज़ आसिफा के मुंह से निकला हुआ। आप मेरे चाचा शौकत अली साहब की तरफ मत देखें, मेरे चाचा लियाकत अली साहब की तरफ मत देखें, मेरे चाचा अकरम भाई की, अकरम चाचा की तरफ मत देखें। अरे शेर मैं उनको शरीक करता हूँ जिन्होंने एक वाकया ऐसा घिनौना वाकया इस हिंदुस्तान के साथ किया। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे समझता हूँ कि इससे ज्यादा घिना कोई काम नहीं हो सकता। आप सब शरीक हो इस नज़्म से, पेश करता हूँ सुने। ये क्या करते हो चाचू जान के मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि आगे जो सफेद कुर्सियों पर वीवीआईपी बैठे हुए हैं, आप सब इस मुशायरे में बिल्कुल हाथ बांध कर बैठे हैं। हालांकि आगे वाले जब तक मुशायरे को मुशायरा नहीं बनाएंगे, ये मुशायरा कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप सबको शरीक होना पड़ेगा और आप सबको अल्ताफ जे और माजिद देवबंदी तक का सफर तय करना पड़ेगा, तब ये मुशायरा कामयाब होगा। एक बार जोरदार तरीके से आप सब हाथ उठाकर मुझे इजाजत दें, मैं मतलब आप तक पहुंचाऊंगा। पेश करता हूँ सुने माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। ये क्या करते हो चाचू जान के मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। न कीजिए मंदिर का अपमान। मुजाहिद भाई जी आप जुड़ जाइए ना, मैं जुड़ा हुआ करता हूँ सुने। नकीजे मंदिर का अपमान नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। आसिया वाह भाई, सदरे मुशायरा वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए। स्टेज माशाल्लाह जुड़ चुका है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदरे मुशायरा को। अब यहाँ से बंद पहुँचाता हूँ सुने। कि नन्ही सी कली हूँ चाचू मैं, आप सबको ये बिल्कुल हाथ उठाकर। नन्ही सी कली हूँ चाचू मैं, क्या मेरी खता है बोलो ना, क्या आपकी बेटी नहीं लगती। मुझको जरा गौर से देखो ना, मेरे अबू होंगे हैरान। क्या बात है, मेरे अबू होंगे हैरान, परेशान होंगी अम्मी जान। असद जिंदाबाद, ये है असद माहूली। करते हो चाचू जान के मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी। अब एक शेर हो जाता हूँ। इस हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन वो दो तीन दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर भुला दिए जाते हैं। लेकिन मैं अपडेटिंग देखते रहता हूँ। अल्लाह उनको नेस्त नाबूद करे जिन्होंने आसिफा के साथ ऐसा कांड किया। अल्लाह उन्हें बहुत जल्द तख्ते पर लटका लटका हुआ नजर आएगा, आप तब भी इंशाल्लाह देखेंगे। एक बंद पहुंचाता हूँ सुने। इसका भी हूँ क्या सियासत के, गंदे नाले में बह जाएगा। अब तक तो हमने सहा है बहुत, लेकिन न सहा अब
जाएगा जिन्होंने खेला घिनौना खेल आसिफा नहीं है हमसे कह कर के जिन्होंने खेला घिनौना खेल उन्हें तुम भेजे न भाइयों खेल आसिफा जब रही थी वाह भैया सब जिंदाबाद क्या जिंदगी असदात में जिंदाबाद असदात में जिंदाबाद वारिस पठान जिंदाबाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जिंदाबाद जिंदाबाद हाजी शौकत अली साहब बहुत शुक्रिया अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हाजी शौकत अली साहब मेरे दाहिने बाजू दाहिना बाजू बहुत मजबूत है बायां बाजू भी अकरम चचा है पहला बंदा पढ़ दो बहुत शुक्रिया भाई मेरे भाई का हुक्म हुआ पहला बंदा आप तक पहुंचाता हूँ बिलखुसूस एक बार पूरा मजमा जरा सा हाथ उठाकर मुझे इजाजत दे दे मैं बंदा आप तक पहुंचाऊं जी पेश करता हूँ समाज पर मैं बहुत अच्छा कि नन्ही सी गली वो चाचू में आए हाय क्या मेरी खता है बोलो ना क्या आपकी बेटी नहीं लगती मुझको जरा गौर से देखो ना मेरे अबू होंगे हैरान मेरे अबू होंगे हैरान परेशान होंगी अम्मी जान असद जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह क्या बात है और इस बंद में अपने चचा हाजी अकरम साहब को शरीक करता हूँ बहुत खूबसूरत सा ये बंद है मुझे उम्मीद है मेरे चचा को पसंद आएगा वाह भाई वाह के बंदना के कर ली दरिंदों ने अल्लाह अल्लाह बंदना के कर ली दरिंदों ने मुंह ढाक लिया है वानों ने करने लगा चेता आहों का वो काम किया इंसानों ने के हो गए आदमी खूना शाम भेड़िए तो है यूं ही बदनाम भैया सदमा हुली जिंदाबाद जिंदाबाद शुक्रिया डॉक्टर नैयर आजम साहब डॉक्टर अफजाल साहब अरशद भाई हमारे जागापुर अयाज भाई सिराज भाई शाहिद भाई इन तमाम मेहमान-ए-आज़ीज़ डॉक्टर इकबाल अहमद साहब इन तमाम को मैं शरीक करता हूँ अब आखिरी बंद पढ़ता हूँ और इस नज़्म का पूरा लुब्बे लुआब है इस नज़्म का जो पूरा निचोड़ है अगर आप सब शरीक हो जाएंगे माहौल वालों मेरे अपने भाइयों तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कामयाब कर दिया आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये बंद बताएगा पेश करता हूँ बतौर खास हाजिर करता हूँ समाज पर मैं कि सीता को चैन मिले कैसे सुनिएगा बंदर हाजिर करता हूँ सुने कि सीता को चैन मिले कैसे जब राम की सीट पे रावण है क्या जाने दर्दे औलाद जुड़िएगा आप सब का बात है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच गया हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच गया हो तो माहौल वालों आप हिफाजत कर लीजिएगा पेश करता हूं समाज पर मैं सीता को चैन मिले कैसे जब राम की सीट पे रावण है जंगल सा लगे है ते सपना हर कुर्सी पे एक विरापन है वो क्या जाने दर्द औलाद जो लोग असगत है बे औलाद आसिफा जी वाह भाई सा सा सा
भाई ऐसा नहीं नहीं दोबारा चंद शेर से और नवाज दे भाई ऐसा वाह नहीं नहीं मुझे अच्छी तरह पता है मैं मेजबान हूं माजी साहब अल्ताफ जिया साहब असद बस्तवी साहब बचे हुए हैं जी मैं उनके नहीं मैं हाजिर करता हूं दोस्तों इस बंद को फिर पढ़ता हूं उसके बाद सिर्फ एक मतला और एक शेर पढ़कर आप सब सुरक्षित हो जाऊंगा हाजिर करता हूं कि सीता को चैन मिले कैसे जब राम की सीट पे रावण है जंगल सा लगे है दे सपना हरि कुर्सी पे एक विरापन है वो क्या जाने दर्दे औलाद जो लोग अकरद हैं बे औलाद आसिफा चीख रही थी आसिफा चीख रही थी ये क्या करते हो चाचू जान के मैं वो आपकी बेटी समान आसिफा चीख रही थी।